एक बारी जरा आज की तुम ये लोबी देखना, काफी ज्यादा खतरनाक बंदे आए हुए थे जो कि भाई मतलब ग्लेशियर मैक्स लेके खड़े, मिथिक फैशन वाली आईडी लेके खड़े, और मुझे ये पता था कि हाँ अगर ये वाले मैच में अपना चिकन हुआ ना तो मजा आएगा बहुत ज्यादा। और यहाँ पे ये जो तुम्हें मेरे सामने कुछ बंदे दिख रहे हैं ये भी बहुत ज्यादा अच्छा खेल रहे थे और भाई मतलब इन्होंने भी लोबी में तबाही मचाई थी। तो देखना इनका और हमारा मतलब देखेंगे हमारे सामने आएंगे या नहीं और इनसे हमारी फाइट होगी नहीं। अभी इन्हें ब्लड रेवन पहना लिया और फिर ये आउटफिट चेंज कर लेगा बाद में देखना। और बाकी तो गाइस वो चीज़ यार तुम्हें मैच में ही पता लगेगी कि कौन किसको मारता है, या हम जीतते हैं इस वाले मैच में या ये वाले बंदे जीतेंगे। पर उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, अगर तुम नए हो चैनल पे तो मेक श्योर कि तुम सब्सक्राइब कर लो, और अगर तुमने इस वाले वीडियो पे अभी तक लाइक नहीं करा तो वो भी तुम कर सकते हो। तो चलो चलते हैं भाई और देखते हैं कौन किसे मारता है। और स्कूल अपार्टमेंट थोड़ा दूर था प्लेन पास से तो हम उधर पे नहीं गए, सीधा आगे पोचिंकी। हमने सोचा कि भाई हाँ इतनी खतरनाक लोबी है तो पोचिंकी में बंदे तो आएंगे, और ऐसा हुआ भी था। पोचिंकी में बहुत सारे बंदे आए थे पर वो ब्लड ड्रैगन वाले बंदे यहाँ पे नहीं थे, अभी वो आगे मैच में मिलेंगे कहीं और। अब यहाँ पे फिलहाल मुझे एक बंदा ओपन में दिखता है, मैं इसे नॉक करता हूँ। और यार ये पता नहीं एएफके था या पता नहीं क्या ही कर रहा था, फिलहाल इसे मारा कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सामने एक और बंदा था, इसके ऊपर रश करा। और भाई ये बंदे जो साले सीढ़ियों में टीवी भी लेते हैं ना, मतलब इनकी जिंदगी यहीं बीत जाएगी, पूरे इस पे ही खड़े रहेंगे, पूरी जिंदगी जिन्ने पे ही खड़े रहेंगे पता नहीं क्यों। अब तो फिलहाल इस वाले बंदे को भी मार देता, और अभी मेरे पास एक टोमी और M16 है भाई, दोनों ही गन मतलब इतनी ज्यादा खास नहीं है एक तरीके से, ये चीज तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है। तो फिलहाल अभी टोमी गन से पीछे एक बंदे को नॉक करा, बारी थी उसको फिनिश करने की, तो जाता हूं मैं उधर की तरफ। पर यार उसी के साथ दो बंदे और दिख जाते हैं सामने ही। और यार इन दोनों को आराम से मार दे क्योंकि हाथ में AKM आ चुकी थी भाई। AKM जो है बहुत ज्यादा सही गन है, और AKM पे लग रहा था 6x, एक बंदे को तो AKM पे 6x ही मार दिया। अब फिलहाल ये वाली टीम मर चुकी थी, और यहाँ पे इन बंदों से मुझे एक M249 मिल गई थी, और M4 का भी भाई जुगाड़ कर ही लेंगे कहीं ना कहीं से। तो अब देखो मैं अपनी M249 अपने टीममेट को दे देता हूँ, मैंने कहा ये चल तू चला ले, मुझे अपनी M4 दे दे क्योंकि भाई M4 से बड़े गन नहीं है यार M249। और फिलहाल इस वाले पूरे मैच में हम लिजर्ड यूज करेंगे क्योंकि हमने इसे अभी कुछ दिन पहले ही मैक्स करा था, और भाई ये गन सच में बहुत ज्यादा प्यारी है। मतलब तुम ग्लेशियर देखोगे यार अभी के टाइम में सबके पास ग्लेशियर है, फूल भी सबके पास है, बट ये गन थोड़ी सी रेयर हो जाती है। अभी जब हम रिकॉल टावर की तरफ जा रहे थे बंदूक को चेक करने थे, तो यहाँ पे हमें एक बंदा पड़ा हुआ दिखता है, मैंने कहा ठीक है भाई चल डेंजर इसको भी मारते हैं। से ये वाला बंदा अपने टीममेट्स को रिवाइव करने जा रहा था, पर हाँ हमने इसको मारा, उसके साथ पूरा फिनिश करा। उसके बाद हम खुद आए रिकॉल टावर पे, और एक बंदा मुझे उधर की तरफ दिखा था, हल्की सी झलक उसकी। तो यहाँ पे गाड़ी तो हम पीछे ही खड़ी कर देते हैं, सीधा भाई मैं आता हूँ उसको ढूंढने। मैंने कहा यार यहाँ पे एक बंदा था पता नहीं कहाँ पे चला गया, और जल्दी से उस वाले बंदे को ढूंढो। पर भाई किसी को भी दिखा नहीं था वो, तो थोड़ी देर बाद मेरे को ही दिखता है। और यार देखो मैं तो एक बंदा सोच के आया था, पर ये जो है दो बंदे निकले, तो यहाँ पे दोनों को ही मारना था। और एक जो है वहाँ पे ट्रैक्टर के पीछे जाके लेट गया था, मेरे टीममेट ने उसकी पोजीशन बता दी थी। मैं छत पे आया सबसे पहले, देखा कहाँ कहाँ पे है, एक को नॉक करा।
अब देखो ये वाले बंदे को जैसे ही नोक करा, बारी देश के दूसरे टीममेट की जो कि मेरे पीछे था और भाई मैं यहाँ पे आया, उसको एंगल मिला थोड़ा सा, उसने भाई भर दी मेरे अंदर गोली पूरी। तो मुझे जो है पीछे होके थोड़ी हीलिंग वगैरह करनी थी, दैट्स व्हाई मैं पीछे हो गया और उसके बाद मैंने हीलिंग करी। अब मेरा मोटिव था इस बंदे को मारना। अब फिलहाल ये बंदा मेरे टीममेट को तो नॉक कर देता है, पर हाँ मैंने बचा लिया था अपने टीममेट को यहाँ पे इस बंदे को मार के। और यार कितनी जल्दी गाइस, मतलब 10 किल हो गए ना अपने, और इस वाले मैच में पूरे टोटल किल मतलब आई थिंक सो अपने देखना तुम कितने होंगे, मतलब अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो थोड़ा सा सस्पेंस खराब हो जाएगा, या हो सकता है तुमने थंबनेल पे ही देख लिया हो यार ये चीज तो। पर चलो कोई नहीं, अभी फिलहाल एक और बंदा आया रिकॉल पे, और भाई रिकॉल पे मतलब अभी ये टाइम मेरा बहुत बंदे आते हैं। ये हमने पहले बोट सोचा क्योंकि इसकी मूवमेंट ही ऐसी थी, पर ये तो रियल निकला। और इसने जो है मेरे एक टीममेट को नॉक भी कर दिया था, मेरा टीममेट भी यही कह रहा था कि लेजेंड भाई मतलब इसकी मूवमेंट तो यार बिल्कुल बोट वाली थी। मैंने इसे कहा, मैंने कहा भाई नहीं समझना चाहिए आज के टाइम में किसी बंदे को बोट। अब जब पोचिंकी पे निकल रहे थे तो यहाँ पे एक बग्गी दिखी एक बंदा भी, और यार इस बंदे ने और मैंने यहाँ पे क्या डांस करा वो तो तुमने देख ही लिया होगा। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं भाई, इसकी बग्गी मतलब यहाँ पे ठुक गई शायद से, ये किसी और के पास आया था। अब देखो ये हमारा ना तीसरा या चौथा चक्कर होगा पोचिंकी वाले रिकॉल पे, क्योंकि भाई रिकॉल पे अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा बंदे मिल रहे हैं सबसे। अगर तुम्हें भी बंदे ढूंढने तो रिकॉल पे जा सकते हो तुम। अब दोबारा से हम रिकॉल पे आए और यहाँ पे हमें देखी पूरी टीम जिन्होंने भाई हमारे मारने स्टार्ट करी। मैंने भी कहा चलो कोई नहीं, वेयर हाउस पर गाड़ी रोकते हैं फिर इन बंदों को मारेंगे। और वो बंदे भी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली मतलब हमारे ऊपर पुश करने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा टीपी भी ले रहा था, MG3 और M4 थी हाथ में। तो तुम्हें क्या लगता है ये वाला क्लच हो पाएगा या नहीं? बाकी तुम इस क्लच को एंजॉय करो, सच में तुम्हें मज़ा आएगा। अभी तो यार इनके तीन बंदों ने रश करा था और इनका एक बंदा पता नहीं बहुत ज्यादा अजीब स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा था, वो सोच रहा था कि अपने टीममेट्स को रिकॉल कर लेगा दोबारा से जिन तीन बंदों ने रश करा था। भाई बस अपनी जिंदगी में मुझे इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए कि मतलब तीन बंदे मैं आगे भेज के खुद रिकॉल पर खड़ा रहूं, और जब वो बंदे मर जाए मेरे तीनों टीममेट फिर मैं कोशिश करूं रिकॉल करने की बंदों के सामने अपने टीममेट को। ठीक है भाई ये भी सही है। अब फिलहाल एक बंदा पता नहीं कैंपर कहां से मेरे टीममेट को नॉक करता है, इसे भी मारना था। तो एक नेड फेंका, उसके साथ साथ M4 का स्प्रे मारा इस बंदे के, और ये वाला बंदा भी आराम से मर गया था। और इस वाले बंदे को मारने के बाद मैंने अपने टीममेट्स को कहा, मैंने कहा भाई चलो 19 किल हो चुके हैं, चलते हैं स्कूल अपार्टमेंट की तरफ। पर स्कूल अपार्टमेंट की तरफ हम आए तो, पर भाई इस बार ही रुकने की हिम्मत नहीं हुई यहाँ पे, क्योंकि इतने सारे बंदे स्प्रे दे रहे थे वो गाड़ी फोड़ देते हमारी। और सच बताऊँ तो गाइस ऐसा भी नहीं है कि मतलब हमने भाई कोशिश नहीं करी वहाँ पे रुकने की, हमारा बहुत ज़्यादा मन था कि हाँ स्कूल अपार्टमेंट पे जाएं और फाइट लें, और भाई स्कूल अपार्टमेंट पे फाइट कौन नहीं लेना चाहता। ठीक है तो मैं लेके जा रहा था, पर भाई गाड़ी से धुआं निकलने लगा, मैंने कहा नहीं भाई ये तो मौत का खेल हो जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे अब हमने इस वाले कंपाउंड पे गाड़ी रोक ली थी, और सच में यहाँ पे जो बंदे हमारे साइडों से निकले हमने यहाँ पे 5 की एमओ इतनी सारी वेस्ट करी, और उसके बाद जो मैं अपने टीममेट के साथ करा वो भी भाई में गाली दे रहा होगा, कह रहा होगा कि नहीं भाई इनके साथ नहीं खेलना ये तो बहुत बेकार आदमी है। Oh,
यहाँ पे जो है हमने अपनी चलती चलती गाड़ियों से बंदे बाहर करे थे, ठीक है। ये बंदा क्या ही जा रहा था भाई बाइक पे, और हैकर बोल रहा होगा शायद से। तो ठीक है, फिलहाल अभी मैं तुम्हें बता दूं मेरी 5 गेमो खत्म हो चुकी थी, तुम देख रहे होंगे बिल्कुल लाल हो चुकी है। और उसके बाद मैंने अपनी टीममेट को, मैंने कहा यार एमो दे दे, टीममेट ने भी दी एमो, पर थोड़ी थी वो भाई, मतलब इतनी नहीं थी M4 के में, मतलब थोड़ी ज्यादा एमो लगती है क्योंकि स्प्रे वगैरह देना होता है। तो यहाँ पे जो है मैंने अपने टीममेट को कहा, मैंने कहा एमो दे दे भाई, इसने तो मतलब दी नहीं इतनी एमो, तो कोई नहीं। यहाँ पे मैंने इसको कहा, मैंने कहा जाओ गाड़ी उठा और वो वाली एमो उठा के ला जो ओपन में पड़ी। क्योंकि देखो 5 कैमो नॉर्मल है, हर बंदा M4 यूज करता है या इस कारल वगैरह, तो 5 कैमो हर बंदे से मिल जाते हैं। तो मैंने अपने टीममेट को कहा, मैंने कहा उस वाली पेटी पे जा यार, बस एमो उठा ला किसी भी तरीके से, अगर तू एमो लिया है इस वाले मैच में तो शायद से वाला मैच अपना हो सकता है। और यार अभी तक वो मिथिक फैशन वाले बंदे तो मतलब दिखे भी नहीं, इतना लंबा मैच चला गया, पता नहीं कहाँ पे लड़ रहे होंगे या कहाँ पे मर गए होंगे। और अगर तुम्हें वो किल फीड में दिखे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, पर भाई इस मैच में तो मुझे दिखे ही नहीं गई। हमारे सिवा बस 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 ले आता। अरे बहुत गंदी हालत जाएगी इसलिए कह रहा हूँ, देख अभी से जा रही। फिलहाल जैसे ही मेरा टीममेट एमओ लेके आया, मैंने गाड़ी उठाई, मैंने कहा चलो अब सीधा चलते हैं स्कूल अपार्टमेंट पे। और इस बार भाई उन बंदों का हमारे ऊपर ध्यान नहीं था, दैट्स व्हाई हम सीधा स्कूल अपार्टमेंट पे यहाँ पे स्लैम डाल पाते हैं। और यहाँ पे मैं जाता हूँ सीधा सबसे पहले ऊपर। अब मैंने अपने टीममेट को कहा था, मैंने भाई वेब शूटर यूज मत करना, क्योंकि यहाँ पे अगर वेब शूटर यूज करोगे ना तो मर सकते हैं, क्योंकि हर विंडो में बंदा है। और यार एक बंदा तो मेरे सामने ही चढ़ने की कोशिश कर रहा था, फिलहाल मैंने उसे भी नॉक कर दिया था, बच रहा था उसका टीममेट, साले ने मुझे नॉक कर दिया। तो मैं यहाँ पे अपने टीममेट के पास आया, मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं रिवाइव ले लेते हैं। और 20 किल हो चुके हैं अपने, सहज से इस वाले मैच में अपना चिकन डिनर हो ही सकता है गाइस, क्योंकि मतलब सामने वाले बंदे ही तो बच रहे हैं, मार देंगे इन्हें भी आराम से। देखो एक बंदा यहाँ पे छुपने की कोशिश कर रहा था भाई, MG3 बहुत ज्यादा खतरनाक गन है सच में, इसने भी शायद से यही चलाई थी, इसने पता नहीं कौन सी गन चलाई थी मेरे ऊपर। और हाँ देखो यहाँ पे MG3 वैसे MG3 हो गई, मैंने इस बंदे को मार दिया। अब बारी थी ऊपर वाले बंदे की, उसको जाके मारने की, ठीक है। पर वो वाला बंदा भाई ऐसे बंदरों की तरह कूदता फिर रहा था हर एक अपार्टमेंट की छत पे, मतलब मैंने सोचा, मैंने कहा भाई क्या कर रहा है ये, कभी भाई मुझे वो यहाँ पे इस वाली खिड़की पे दिखता है देखना, मतलब देखो ये भागा मेरे ऊपर से, ये बिल्कुल देखो ये, ठीक है। फिर ये चढ़ गया, मैंने कहा भाई ये कर क्या रहा है, मतलब इसकी जिंदगी में कुछ है नहीं मकसद। फिर मैं भी चढ़ा ऊपर और फिर नीचे गिर गया थोड़ा सा, मैंने कहा कोई नहीं। और भाई अब तो ठान लिया था कि हाँ इस बंदे को पूरा फिनिश करना है भाई, बहुत देर होगी, मतलब अलग ही सीन कर रहा है ये। तो फिलहाल मैं जाता हूँ सीधा और फिनिश कर देता हूँ इस बंदे को, बेचारा पड़ा हुआ था सामने। तो ये रहा गाइस एक और इजी चिकन डिनर, और बाकी यही था आज की इस वाली वीडियो में। तुम मुझे बताना तुम्हें इस वाली वीडियो के फाइट्स क्लचेस कैसे लगे, बाकी मैं बोलता हूँ तुम्हारे से किसी एक न्यू वीडियो में किसी एक न्यू गेम प्ले के साथ। और तब तक के लिए तुम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। और ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, अगर तुम फॉलो करना चाहते हो तो आ सकते हो इंस्टाग्राम पे भी, वहाँ पे भी अपन मतलब अपडेट्स तुम्हें मिलते रहेंगे मैं उससे रिलेटेड, ठीक है। तो मिलते हैं किसी एक न्यू वीडियो में किसी एक न्यू गेम प्ले के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।